एवरीवन, दिस इज योगिता। वेलकम टू अवर चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी वीडियो शो करने वाली हूँ एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जिसमें हर एक पर्सन का सपना होता है कि वो उस सोसाइटी में रहे। इस सोसाइटी के आसपास आपको गुरुद्वारा, टेम्पल, मार्केट, क्लब हाउस, ऑल अमेनिटीज जो है, सारी की सारी अमेनिटीज मिलती रहेंगी। इवन डे वन से गाइज ऑपरेशन है, तो जानना चाहेंगे कि उस सोसाइटी का नाम क्या है। मेरे पीछे देख ही लिया होगा वैसे तो आपने, SBP। आज हम पहुँचे हैं गाइज SBP सिटी ऑफ ड्रीम सेक्टर 115 में, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज गाइस डे वन से ऑपरेशनल है। गेटेड सोसाइटी है जिसमें आपके पास 3 BHK एंड 2 BHK की इन्वेंट्रीज रहेंगी। 2 BHK गाइस जिसका साइज रहेगा 1455 स्क्वायर फीट, एंड 3 BHK के दो साइजेस रहेंगे, 1550 स्क्वायर फीट और 2024 स्क्वायर फीट। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को शो करूंगी 1550 स्क्वायर फीट का एक ब्यूटीफुल सा सैंपल फ्लैट। तो आइए चलते सैंपल फ्लैट की लोकेशन पे। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं अपने सैम्पल फ्लैट की मेन एंट्रेंस पे, तो आइए चलते हैं अंदर एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, जैसे ही मैं फ्लैट के अंदर एंटर करती हूँ तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हमारा ड्राइंग एरिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 सीटर जो है सोफा सेट प्लेस किया हुआ है विद अ वेरी ब्यूटीफुल सेंट्रल टेबल। तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, मैं बहुत ईजिली यहाँ पर जो है मूव कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा स्पेस आपको आपके ड्राइंग एरिया में मिल रहा है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड के अगर आप वॉल के देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें इन्होंने POP वर्क यूज़ किया है, वॉलपेपर यूज़ किया है, एंड एक प्लेस जो है यहाँ पे आपको सीनरीज के लिए या फिर आपके फैमिली फ़ोटोज़ के लिए जो है यहाँ पर मिल जाएगी। सो ओवरऑल जो आपकी लुक रहेगी, आपके जो ड्राइंग एरिया से आएगी, वो बहुत ही फैंटास्टिक लुक रहेगी। एंड बिल्कुल इसके अपोजिट हमारे यहाँ पे आ जाता है LED पैनल। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपने अपने LED पैनल को डिज़ाइन करना है। बहुत अच्छे ब्यूटीफुल आइडियाज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे कि आप अपने घर को कैसे डेकोर कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे इन्होंने प्लेस की हुई है एंटीक्स, यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। आप भी अपने घर में ऐसे तरीके जो है यूज़ करके इसको और सुंदर बना सकते हैं। तो ये था हमारा ड्राॅइंग एरिया, जिसमें अभी हमारी रह गई एक फॉल सीलिंग का पार्ट। तो फॉल सीलिंग अगर आप गाइस देखेंगे, इसकी ब्यूटीफुल अल्टीमेट फॉल सीलिंग है, जिसमें एक वॉल पेपर का इन्होंने यूज़ किया है, उसको और ही अल्टीमेट ग्रेस जो है आपके ड्राइंग एरिया को मिल रही है। एंड गाइस, इसी के साथ अटैच्ड आ जाती है आपकी बालकनी। सो फ्रेंड्स, ये आपकी एक कंबाइंड बालकनी रहेगी आपके ड्राइंग एरिया से, आपके बेडरूम से, एंड अगेन एक और बेडरूम से, यानी आपकी एक कंबाइंड बालकनी रहेगी। काफ़ी अच्छी आपको हाइट मिल जाएगी ग्रिलिंग की यहाँ पे, एंड काफ़ी अच्छी स्पेशियस बालकनी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है ग्रीन ग्रास का यूज़ करके सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। सामने अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी फैमिलीज यहाँ पे जो है रह रही हैं, एक डेवलप्ड एरिया रहेगा ये, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। सारी अमेनिटीज गाइज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ड्राइंग एरिया, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 6 सीटर डाइनिंग सेट यूज़ हुआ है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो है फूड एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सफिशिएंट स्पेस आपको मिल जाएगा, इजीली आप जो है यहाँ पे एंजॉय करेंगे। एंड इसी के साथ एडजॉइनिंग आ जाती है हमारी किचन। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं किचन के साइज़ की। बहुत ही बढ़िया साइज़ मैं कहूँगी, ईजिली 2 वुमेंस यहाँ पे खड़े होकर ईजिली कुक कर सकती हैं। बहुत अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे जो है मिल रहा है। एंड इसके वार्डरोब्स एंड सेक्शंस की बात की जाए तो वो भी आप देख सकते हो, सॉफ्ट क्लोजर के साथ जो आपको है ये किचन पूरी बिल्टअप की हुई है। ग्रेनाइट का यहाँ पे टॉप पे मार्बल यूज़ हुआ हुआ है, एंड अपर कैबिनेट्स भी जो है काफ़ी अच्छे स्पेशियस कैबिनेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो ये आपकी एक होगी ड्राई कंसेप्ट की किचन। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती है आपकी वेट एरिया, जहाँ पे आपको 2 सिंक मिल रही है, साथ ही साथ रोटेटेबल टैप मिल रही है। एंड गाइस, इसी के साथ जो है आपकी कॉमन आपकी बालकनी यहाँ पे मिलेगी। तो स्पेशली ये जो बालकनी रहेगी आपके वॉशिंग एरिया के लिए रहेगी, आपको टैप्स वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है विद अ वेरी गुड स्पेस। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा हमारा ड्राइंग, डाइनिंग एंड किचन, तो अब हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं हमारा फर्स्ट रूम, जो कि बिल्कुल हमारे साइड पर आ जाता है, तो इसे हम गेस्ट बेडरूम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसकी एंट्रेंस रहेगी। सबसे पहले एंटर करते ही हमारा जो आ जाएगा वॉशरूम आ जाएगा विद अ वेरी गुड साइज एंड विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स हम आपको दे रहे हैं। एंड देन दिस इज़ अवर
बेडरूम एरिया, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल बेडरूम डिज़ाइन आप देख सकते हैं गाइस। अगर हम बात करें सबसे पहले इसके स्पेस के बारे में, तो बहुत ही अच्छा स्पेस गाइस यहाँ पे आपको मिल रहा है। एंड जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट आ रहा है ना, वो है ये इसकी वॉल। तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ इसे जो है वॉल को क्रिएट किया हुआ है, वॉल पेपर लगा रखा है। पेंटिंग्स के लिए आपको यहाँ पे अलग से प्लेस दी हुई है, POP वर्क यूज़ किया हुआ है। ओवरऑल एक ब्यूटीफुल वॉल है जो कि अट्रैक्ट कर रही है इस रूम को। एंड देन फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखेंगे आप, तो काफ़ी अच्छा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपके रूम में भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड बिल्कुल सामने यहाँ पे आपका आ जाता है LED पैनल। तो अलग डिज़ाइन के साथ यहाँ पे भी LED पैनल को जो है बनाया हुआ है। नीचे सेक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, ताकि छोटा मोटा सामान आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इन्होंने पिक्चर्स के लिए आइडिया दिया हुआ है, तो आप भी यहाँ पे जो है पिक्चर्स का प्लेस कर सकते हैं ऐसे ही एज इट इज़। एंड इसी के साथ यहाँ पे एक स्पेस और एरिया आ जाएगा गाइज आपके कबर्ड का, जैसे इन्होंने वॉल टू वॉल कबर्ड्स यूज़ की हुई हैं विद अ वेरी गुड स्पेस। वाओ, बहुत ही बढ़िया स्पेस आपको अंदर इंटरनली वार्डरोब्स का मिल रहा है, नीचे सेक्शंस मिल रहे हैं। सो ओवरऑल आपका सारा सामान जो है इंटरनली आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा एरिया डिफरेंट सेक्शंस के साथ। सो ये हमारा बेडरूम था, जिसमें मैंने आपको फॉल सीलिंग का आइडिया दिया है, LED पैनल, वार्डरोब्स, वॉल्स को कैसे डेकोरेट करना है। एंड जैसे कि मैंने गाइस आपको बताया ही था कि इस रूम के साथ भी अटैच रहेगी आपकी बालकनी, जो कि हम ड्राइंग एरिया के साथ ऑलरेडी देख चुके हैं। सो गाइज, ये था हमारा फर्स्ट रूम, जिसे कि आप गेस्ट बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में। सो गाइज, यहाँ से एंट्रेंस होगी आपके सेकेंड बेडरूम की। तो गाइज, दिस इज़ योर सेकेंड बेडरूम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के स्पेस की। बहुत ही सफिशिएंट आपको स्पेस मिल रहा है यहाँ पे इस बेडरूम में भी। इजीली मैं मूव कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी एक डिफरेंट कंसेप्ट आपको वॉल्स पे मिलेगा, आपके LED पैनल्स को मिलेगा, एक डिफरेंट डिज़ाइन लेकर आए हैं आपके लिए। सो गाइज, अगर हम इस वॉल की बात करें, तो यहाँ पे भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे इन्होंने वॉलपेपर प्लेस किया हुआ है। सेक्शंस दे दिए आपको सीनरीज प्लेस करने के लिए। एंड POP वर्क का यूज़ करके इसको और इंक्रीज़ किया है, इसकी जो लुक रहे वो काफ़ी अच्छी लुक आए। जैसे हम एंटर करते हैं, तो सबसे पहले हम वॉल की तरफ ही देखते हैं ना, तो बस हम देखेंगे तो हम हमेशा यही कहेंगे कि वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉल, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेडरूम। ठीक है, तो इसकी जो फॉल सीलिंग में भी सेम गाइज, अगर हम देखेंगे तो यही वॉलपेपर सेम ऊपर सीलिंग में भी हमने यूज़ किया है, तो उससे और अच्छी लुक जो है आपको रूम को मिलेगी। ये जो कर्टन्स आप देख रहे हैं, अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ कि बालकनी का एक्सेस जो है आपको यहाँ से मिलने वाला है। एंड देन आ जाता है हमारा LED पैनल, तो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट डिज़ाइन आ जाएगा। बड़ी से बड़ी LED स्क्रीन आप इजीली यहाँ पे जो है प्लेस कर सकते हैं। नीचे सेक्शंस भी, आपने नोटिस किया होगा कि आजकल LED पैनल में सेक्शंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो रिमोट हमारा, हम सोचते हैं कि गुम हो जाता है कहीं पे भी, तो उसको ईजिली हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, या छोटा मोटा सामान, चार्जर वगैरह, वो आप ड्रॉर्स के अंदर जो है ईजिली जो है प्लेस कर सकते हैं। देन हमारा आ जाता है सेक्शन वार्ड्रॉब्स का गाइज। ये भी वॉल टू वॉल वार्ड्रॉब्स आप देख रहे हैं, आजकल जो ट्रेंडिंग चल रही है वॉल टू वॉल है। अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे भी इंटरनली, देखिए इंटरनली वार्ड्रॉब्स में भी आपको बहुत ही अच्छा स्पेस मिल रहा है। सो ये था हमारा बेडरूम सेकेंड। एंड इसी के साथ गाइज अटैच रहेगा आपका वॉशरूम। सो गाइज, ये आपका सेकेंड वॉशरूम रहेगा, जिसमें सारी की सारी हम ब्रांडेड फिटिंग्स आपको दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है आपके वॉशरूम्स में। एंड इस रूम में एक चीज़ और आपको मिल रही है, जो कि ये विंडो रहेगी, ताकि प्रॉपर सनलाइट आपके रूम में, वेंटिलेशन आपको जो है मिलती रहे प्रॉपरली, ये आपको विंडो जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट बेडरूम, यानी हमारे मास्टर रूम में। तो आइए चलिए, बिल्कुल इसके एडजॉइनिंग आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम, यानी कि सबसे पहले एंटर करते ही हमारा वॉशरूम आ जाएगा एज इट इज़ कम्प्लीट, जैसे आपने सब में देखे कि फुली ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ आपको वॉशरूम्स मिलेंगे। देन आ जाता है हमारा मेन रूम। वाओ गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेस, सबसे पहले मैं बात करूंगी, बहुत ही शानदार स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। बहुत बेड प्लेस करने के बाद भी बहुत सफिशिएंट स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। एंड वॉल्स, जो इन्होंने इस वॉल को डेकोरेट किया है ना, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट होता है वो हमारा होता है वॉल। जैसे ही मैंने एंटर किया ना, तो ये मिरर्स का जो इन्होंने यूज़ किया, और जो वॉलपेपर्स इन्होंने यूज़ किया, और POP वर्क यूज़ करके इसकी जो लुक है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। एंड इसी के साथ जो वार्डरोब्स इन्होंने यहाँ पे दी हैं, इनबिल्ट वार्डरोब्स रहेंगे आपके यहाँ पे। इसका भी एक बार हम स्पेस देख लेते हैं। सेम स्पेस गाइस,
बहुत ही अच्छा स्पेस आपको आपके वार्डरोब से भी मिल रहा है। एंड देन हम बात करते हैं यहाँ की फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग में भी इन्होंने जो लाइट्स वगैरह का यूज़ करके किया है, इससे और ब्यूटीफुल जो है आपका रूम लग रहा है। एंड देन हमारा लास्ट, सो गाइज ये आपका LED पैनल रहेगा, तो आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं कि आपने कैसे अपना LED पैनल डिज़ाइन करना है। देन एक वॉल ये भी है, तो आपको यहाँ पे आप चाहें तो अपनी फैमिली फ़ोटोग्राफ सीनरीज का प्लेस कर सकते हैं। तो अलग अलग आइडियाज़ आपके पास भी होंगे कि आपने अपने रूम को जो है कैसे डेकोर करना है। तो इसी के साथ आपको यहाँ पे जो है एक पर्सनल बालकनी भी मिल रही है गाइज, जिसमें आपको प्रॉपरली आप कुछ भी चाहें तो डेकोरेटिव आइटम्स, गार्डनिंग कर सकते हैं, प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आजकल आ रहे हैं हमारे पास हाउ टू डेकोरेट द बालकनीज, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप बालकनीज को भी डेकोरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा 3 BHK का फ्लैट। आई होप कि आपको ये फ्लैट काफ़ी पसंद आया होगा, जिसका एरिया है 1550 square feet। सो अगर आपको और भी इन्वेंट्री चाहिए, लाइक हमारे पास 2 BHK एंड 3 BHK के ऑप्शंस हैं, 2 BHK विद द साइज ऑफ 1455 square feet एंड 3 BHK विद द साइज ऑफ 2024 square feet विद द माइवन टेक्नोलॉजी एंड फुली लॉडेड फ्लैट्स। तो अगर कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।